सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये बैंगन की सब्जी है और ये शिमला मिर्च है। हेलो, राम राम जी, नमस्कार, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? सो गाइस अभी अभी जस्ट मैंने अपनी सारी योगा क्लासेस खत्म की है, लंच का टाइम हो चुका है। मैं और मेरा फ्रेंड जो है लंच करने के लिए जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं हम कि चाइना में किस तरह का लंच मिलता है और हमें कितने रुपए में लंच मिलता है, ठीक है, कितने रुपए में खाना क्या क्या मिलता है, आज आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, बस यहीं पे हम जो है लंच करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, 15 साल पुराना है भाई। वो तो 20 साल आ रहा जिसमें जाना है। हाँ सी सी हाँ तो भाई यहाँ होगा कोरोना का टेस्ट। खैर हाँ सी सी मेरा हो गया कोविड टेस्ट, अब मेरे फ्रेंड की बारी है। तो यहाँ पे जैसे लाइन लग गई है कोरोना टेस्ट करवाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये जो बाय बाय कर रही लड़की, वो लड़की खुश होगी वहाँ पे, बाय बाय कर रही अभी तक पीछे से पूछ भी रही कुमार रहे हो क्या, पर हम ईमानदार है भाई, मैंने बता दिया शादी शुदा है। हाँ यहाँ पे ये एरिया भाई, अरे तारे वारे लटक रही भाई, यहाँ ये ओल्ड सिटी है थोड़ी शांगचुन की। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, कोई साउंड नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। टैक्सी इसको देखियो, बाइक को बिल्कुल ऐसा लग रहा है घोड़ा है ये। और मैं अब हम दोनों आते हैं यहाँ पे खाना खाते हैं, बहुत गजब का खाना बनता है भाई यहाँ पे। हेलो 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 हेलो, ये भाई 15 साल पुराना भाई, नाम पूरा इनका, यहाँ पे खाना ठोक के देते हैं बिल्कुल। ये देखो भाई यहाँ पे अचार, मिर्च का अचार, मिर्च और धनिया का अचार, ये पनीर का अचार, ये मूंगफली का अचार, मिर्च का अचार, और ये बैंगन का अचार, और यहाँ पे मूंगफली और ये तोफू, ये सारे देखिए वेजिटेरियन सब अचार। हाँ वो है से नहीं का छेज छेज15 yuan में यहाँ पे इतना बड़ी थाली में खाना मिलता है, भर के बंदे का पेट पूरा फुल होता है यहाँ पे। ना यहाँ पे बीड़ी पीता कोई, ना सिगरेट ना गुटखा भाई, बिल्कुल साफ रखते हैं रेस्टोरेंट को। ए चाइना के बाकी रेस्टोरेंट में सिगरेट पीते हैं लोग, स्मेल फैलाते हैं, यहाँ पे बहुत क्लीन है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये बैंगन की सब्जी है और ये शिमला मिर्च है और इतने सारे राइस फॉर 15 yuan, मतलब 150 रुपये में। तो ये भाई साहब के भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, देखो वेरी डिलीशियस भाई, मज़ा आ गया 150 रुपये की थाली खा के पेट फुल हो गया एकदम। हाँ और यहाँ पे ये देखिए भाई, यहाँ पे गेम सेंटर है अंदर, बहुत लंबा है अंदर तक भाई, किसी और दिन अंदर लेके चलूँगा गेम सेंटर में आपको। ये देखिए यहाँ पे होम डिलीवरी वालों की ड्रेस, येलो ड्रेस, सुपर फास्ट सर्विस। मौसम बहुत गजब का है भाई आज, मौसम सच में पुराना ओडी मॉडल, इसने ठीक बांध के रखा है ये पट्टी सी। नहीं छूला है मैं गाड़ी में बैठ गया था, वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा, मैंने कहा फिर थोड़ा पहले आप बाहर निकल लो। यहाँ पे देखो भाई ये बंदा पार्किंग के लिए वेट कर रहा है कितने देर से, जगह बिल्कुल नहीं है पार्किंग की, क्योंकि लंच टाइम पे सारे लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए। लेट्स गो। अनछुनता है
भाई साहब बारिश शुरू हो गई। गाड़ी वहाँ पार्क कर दी है, जो हमारे स्टूडेंट की है गाड़ी भाई। ये फरारी है, आई थिंक 5 करोड़ के आसपास रहती है इसकी रेंज भाई, मुझे नहीं पता। जिसके पास होगी फरारी उसे ही पता होगा भाई। ये देखो भाई, यहाँ पे काम करता हूँ मैं इस बिल्डिंग में। बहुत ज़्यादा लोग हैं इस बिल्डिंग में काम करने वाले, तो इसलिए पार्किंग की जगह बहुत मुश्किल से मिलती है। चलिए गाइस, ड्यूटी तो ख़त्म हो चुकी है, मास्क को उतार देते हैं, थोड़ी अच्छी हवा ले लेते हैं। पूरा दिन मास्क को मुंह पे लगा के रखना भी बहुत एक मुश्किल काम होता है। थोड़ी लंबी सांस ली जाए। और मेरी टैक्सी जो है आने वाली है, गाड़ी बुक कर ली थी मैंने। कैब बुक करना यहाँ पे अच्छा रहता है, बहुत ईजी रहता है। और चाइना में मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, तो ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। अगर गाड़ी खरीद ली तो पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, इस वजह से मैं गाड़ी नहीं खरीदता हूँ। अभी कुछ दिनों से कमेंट पढ़ रहा हूँ, 2-4 लोगों के कमेंट आए हैं कि रवि भारद्वाज तुम इतने गरीब हो कि तुम्हारे पास एक गाड़ी तक नहीं है, चाइना में रहते हो, लाखों रुपए कमाते हो। तुम लाखों रुपए नहीं कमाते हो, बिल्कुल गरीब हो। और अपने घर पर देखो, तुम्हारे घर पर बिल्कुल लोग भूखे मर रहे होंगे। मैं उनको बता दूँ मेरे भाइयों, चाहता तो गाड़ी कभी की भी ले लेता, लेकिन लाइसेंस नहीं है चाइना में, और मेरे पास इतना मुझे शौक भी नहीं है मेरे पास गाड़ियों का। गाड़ी इस वजह से भी नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं गाड़ी चाइना में, क्या होता है कि सबसे पहले आपको लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद आप गाड़ी ले सकते हैं। गाड़ी पहले ले सकते हैं, लेकिन आप ड्राइव करोगे तो इलीगल है, उसके लिए फ़ाइन भी पड़ेगा। पहले वो उठा के गाड़ी ले जाएंगे, तो गाड़ी तब देंगे जब लाइसेंस होगा। लाइसेंस मुझे मिलेगा नहीं। लाइसेंस के लिए जो है आपको प्रॉपर एक ड्राइविंग स्कूल में जाना पड़ेगा, हैं 3-4 महीने वहाँ पे लगाने पड़ेंगे, ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एग्ज़ाम होता है चाइना में, 4-5 बार पक्के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, तो बहुत हार्ड होता है। इंडिया में लाइसेंस लेना बहुत ईजी है, अपनी लैंग्वेज होती है और लोग भी अपने होते हैं। वहाँ पर ड्राइविंग करो, अपने पापा के साथ, चाचा के साथ, भाइयों के साथ ड्राइविंग सीख ली हमने, बाइक और कार का ड्राइविंग लाइसेंस एक साथ बना लिया। अब यहाँ पे ड्राइविंग करना मुश्किल होता है भाई, यहाँ पे रूल्स अलग होते हैं। देखो यहाँ पे स्टीयरिंग होता है लेफ्ट साइड पे होता है, गियर जो राइट साइड पे होता है, और यहाँ पे चलते भी लेफ्ट साइड पे हैं। और भी बहुत बाकी इतने सारे रूल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल भाई बहुत अलग होते हैं। तो खैर, मुझे इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। और जिनको लगता है कि मैं गरीब हूँ, मेरे घर वाले गरीब हैं, घर पर खाने को दाना नहीं है इंडिया में, तो भाई ठीक है, हम ऐसे ही है, गरीबी अच्छे हैं, और हमें कोई किसी बात का घमंड नहीं। मुझे इस बात का दुख नहीं मेरे पास गाड़ी नहीं है, और मुझे इस बात का घमंड भी नहीं है कि मैं चाइना में जॉब करता हूँ। और ठीक है भाई, टैक्सी में ट्रैवल करना, इसमें कोई आपकी रेपुटेशन लो नहीं होती है। और किसी को दिखाने के लिए गाड़ी खरीदना, मैं मानता हूँ ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आज कुछ लोग कमेंट करेंगे कि रवि पास गाड़ी नहीं है, मैं गाड़ी ले लूँगा, कल बोलेगा हेलीकॉप्टर नहीं है आपके पास, तो मैं हेलीकॉप्टर ले लूँगा। तो किसी दूसरे के बोलने से जब आपकी लाइफ कंट्रोल होने लगे, तो उस जीने में मज़ा नहीं है। मैं गाड़ी मैंने लेनी थी तो मैंने इंडिया में ली है, घर पे गाड़ी है। तो आने वाले टाइम पे मैं इंडिया में शिफ्ट हो रहा हूँ 2025-26 तक, तो जब मैं यूट्यूब पे ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखूँगा तो आपको पता चल जाएगा मैं इंडिया में गाड़ी लूँगा। जब मेरे सब्सक्राइबर्स मिलने के लिए आएंगे मेरे पास, उनको भी पता लगेगा रवि भाई के पास गाड़ी है, तो आप लोग घूमोगे उसमें, तो आप लोगों के साथ प्यार है। कुछ लोग हेटर्स जब ऐसे कमेंट करते ना भाई, तो यार ऐसा करके आपको क्या मिलता है, मुझे तो पता नहीं। पर जो भी है, आप लोगों को खुशी मिलती है, भगवान आप लोगों को खुशी रखे। मैं गरीब हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, भगवान आप लोगों को बहुत सारी गाड़ियाँ दे, बहुत सारी दौलत शौहरत दे। चलिए जी, मैं पहुँचने वाला हूँ अपने घर पर। ये देख सकते हैं आप, हमारी मार्केट के आसपास में पहुँच चुका हूँ मैं। कुछ ही देर में पहुँचने वाला हूँ अमन के पास घर पर, तो घर पे चल के मिलवाता हूँ आपको अमन से। बस जुड़े रहो वीडियो में एंड तक। ताला शीशे शीशे। ओ भाई, मैं तो खिड़की बंद करना ही भूल गया था।
बट खैर प्लेन रास्ता है, कई पहाड़ों वाली बात होती ना, मैं गिर ही जाता बाहर। यहाँ पे देखिए ये सारा कंस्ट्रक्शन चला हुआ है, ये कल ही कल डले हैं सारे एक ही दिन में, पूरा आगे तक सारा डाल दिया उन्होंने। ये देखिए यहाँ से लेके ये इतना चौड़ा और पूरा जहाँ तक मार्केट दिख रही है वहाँ तक पूरा क्लियर कर दिया। ये चाइना की सबसे सुपर फास्ट वाली जो है कोरियर सर्विस है, जिसको चाइनीज में सुनफोंग बोलते हैं, SF। सामने एक बहुत बड़ी सुपर मार्केट है, यहाँ पे आपकी मीट ले सकते हैं, मसाले ले सकते हैं और जो फ्रूट्स ले सकते हैं। ये गेट ऑटोमेटिक है, देखिए बंद होने ही वाला था, मैं भाग के आ गया, बंद हो गया, तो कोई भी सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती है। कैमरे लगे हुए हैं हर जगह पे, यहाँ से लेके बहुत सारे कैमरे लगे हुए भाई, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है भाई, पहुँचता हूँ घर पे, फिर मिलवाता हूँ आपको अमन और योगिता से। नाराज हो गया है? हेलो करो कैमरे में, बोलो हेलो, हाय, नमस्ते कर रहे हो? नमस्ते, जय, जय कर, ओ नो 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 नो, हाँ हाँ नो नो बोल रहा है, यहाँ से ऊपर नहीं जाना है, उसको मना किया हुआ हमने। बूम, हाँ गिर गया था ना एक दिन। वाह, योगिता ने अमन के लिए खाना बनाया है और अपने लिए साग और ब्रेड एक साथ रखे हैं। तो भाई ये इनका जो डेली लाइफ है, रोज का ऐसा ही रहता है, हरी सब्जियाँ। ठंडा है कहाँ है? ठंडा ठंडा, हाँ ठंडा है, ठंडा खा लो, खा लो, ठीक है। और इस तरह का कुछ अमन का खाना रहता है दोस्तों, देख सकते हैं ये हरी सब्जियाँ, ब्रेड, एग्स एंड दलिया, और डायरेक्ट खा रहा है हरी सब्जियाँ। सो हाउ आर यू योगिता, हाउ आर यू? सो मेरे दोस्तों, दर्शकों, इस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, सिंपल लाइफस्टाइल हम लोग जीते हैं भाई चीन में। और मैं रोज़ सुबह ड्यूटी पे जाता हूँ, ड्यूटी से घर आता हूँ, अपना वही रूटीन रहती है योगा क्लासेस की। दिन में खाना कभी घर खा लेता हूँ, कभी बाहर खा लेता हूँ, और आजकल तो कोरोना का टाइम है तो ज़्यादा बाहर भटकना नहीं पड़ता है, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। वो तो सब जगह जहाँ भी रूल्स होते हैं वो फॉलो करना ही चाहिए, और यहाँ पे इनका लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का है। ये कभी ऐसे ही मस्ती करता रहता है भाई, आपका भतीजा अब बड़ा हो गया भाई, बड़ा हो गया, अब तो अच्छे से चलता है, जंप करता है, चलता है, घर का सामान इधर उधर करता है, देख लो भाई। और ये योगिता है, इसका भी लाइफस्टाइल ऐसे ही रहता है, घर पे बिजी रहती है अमन के साथ में हमेशा। सो गाइज, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, कहाँ से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड सब जगह शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस तरह के टॉपिक्स पे देखना पसंद है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम जी।